वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम डॉग चक की असेंबली क्रिएट करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे न्यू असेंबली क्रिएट करेंगे। न्यू में जाके यहाँ पे असेंबली को सिलेक्ट करके ओके करना है। अब आपको ये पूछ रहा है आपको कौन सा पार्ट ओपन करना है, तो हमने जो हमारे पार्ट्स डेस्कटॉप पे सेव किए थे उसे हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मेन बॉडी को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आई बटन है, यहाँ पे जाके व्यू ओरिजिन इसे एक्टिवेट करना है और जस्ट इन दोनों को मैच कर देना है, मिला देना है। फिर से आई बटन में जाके इसको डिसेबल कर देंगे या हाइड कर देंगे। इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया हमने प्लेन वाइट। अब फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है। इंसर्ट कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रू, इसे ओपन करना है। स्क्रू को ओपन करने के बाद यहाँ पे मेट में जाएंगे, चक के इनसाइड वाले इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रू के आउटर डायमीटर को सिलेक्ट करेंगे। मेक रिलेशन कोसेंट्रिक यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है बट रिवर्स साइड, और ओके करना है। एडवांस मेट में जाएंगे, यहाँ पे विड्थ में जाने के बाद विड्थ सिलेक्शन, तो स्क्रू की दोनों इनसाइड फेस को सिलेक्ट करना है और इस होल को सिलेक्ट करना है। मेक रिलेशन सिमेट्रिक और ओके। देखिए ये इसके सेंटर में आ चुका है, इसकी पोजीशन सेट हो गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पे हमने लॉक क्रिएट किया था या लॉक की डिज़ाइन क्रिएट की थी, लॉक वाला पार्ट हमें इंसर्ट करना है। मेट सिलेक्ट दिस होल और लॉक डायमीटर और ओके करना है। एडवांस मेट में जाना है, विड्थ सिलेक्ट दिस फेस, लॉक की दोनों फेस को सिलेक्ट करना है और स्क्रू की दोनों फेस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब स्टैंडर्ड मेट में जाना है और लॉक के बैक फेस को और इस फेस को, चक की फेस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देखिए ये लॉक यहाँ पे सेट हो गया है, इसको मूव करके देखते हैं। देखिए ये अपने पोजीशन पे मूव कर रहा है। फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे जॉ इंसर्ट करेंगे। इसे रोटेट कर देते हैं हम। मेट में जाएंगे, मेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रू के इस एंड वाले डायमीटर को सिलेक्ट करना है और जॉ के इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है। मेक रिलेशन कोसेंट्रिक और ओके कर देना है। फिर से एडवांस मेट में जाना है। एडवांस मेट में जाने के बाद विड्थ, तो इन दोनों फेस को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और सेकंड इस बॉडी की फेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देना है। अब मैकेनिकल मेट में जाएंगे। मैकेनिकल मेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे स्क्रू है, इसे सिलेक्ट करेंगे और थ्रेड को सिलेक्ट करेंगे, जॉ के जो थ्रेड है उन्हें सिलेक्ट करेंगे और स्क्रू के थ्रेड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए रिवर्स यहाँ पे सिलेक्ट है, तो इसे अनचेक करना है। और यहाँ पे हमने जो थ्रेड अप्लाई किए थे 5.08 ये टाइप कर देना है और ओके कर देना है। अब हमें यहाँ देखिए मेट में वापस जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने कोसेंट्रिक रिलेशन किया है इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सप्रेस
तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर देना है, सप्रेस कर देना है इसे और ओके कर देना है। अब इस तरह से देखिए ये हमारा जॉ यहाँ पे सेट हो गया है और ये मूवमेंट, इसका मूव भी हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न में जाना है। सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न में हमें कौन कौन से कंपोनेंट सेट करने हैं, तो इसे सबसे पहले हम जॉ, स्क्रू और लॉक, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये डायमीटर हमें सिलेक्ट करना है। कंपोनेंट इसके पैटर्न हमें कितने चाहिए, तो 2, 3 और 4, और सिंपली ओके कर देना है। देखिए हमारा चक कंप्लीटली तैयार हो गया है। अब इसे सर्कुलर हमें सेट करने के लिए क्या करेंगे, बॉडी को सेंटर में इसको एक्सिस में घुमाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को होल्ड करके राइट क्लिक राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए रेफरेंस ज्योमेट्री, इसे सिलेक्ट करने के बाद एक्सिस ऑन, एक्सिस को एक्टिवेट कर देना है और ओके कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास एक एक्सिस इसका क्रिएट हो गया, हो जाएगा। आई बटन में जाके एक्सिस को ऑन कर देना है, इसे फ्लोट कर देना है और मेट में जाना है। मेट में जाने के बाद यहाँ पे इस अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है और एक्सिस को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक और ओके कर देना है। फिर से मेट में जाना है, टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो मेन बॉडी है उसे ऑन करके उसके टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। आई बटन में जाके एक्सिस डिसेबल कर देते हैं। मेट में जाने के बाद मेट को सिलेक्ट करना है, मेट में जाएंगे हम। मेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जॉ के इस अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करने के बाद बॉडी की अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है और इसका डिस्टेंस हमें यहाँ पे डिस्टेंस अप्लाई करेंगे 40 mm और ओके कर देना है। तो देखिए अभी जो जॉ अंदर बाहर हो रहे थे वो क्लियर हो गए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही प्रोजेक्ट और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।